हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का लेसन 3 स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि हमारा विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। ये समझ लीजिए अपने आप में एक यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन होगा केवल इसका, या लेक्चर नंबर 1 कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का या विद्युत धारा का, विद्युत धारा लेसन 3 है ये, इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। कौन सा लेक्चर होगा? 1 होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले यदि आप लोग को बता दें कि आप लोग को पढ़ाया गया है, 2 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला तो वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम, जो कि हमारा 21 लेक्चरों में कम्प्लीट हुआ है। दूसरा लेसन हम कम्प्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा 16 लेक्चरों में कंप्लीट हुआ है, वैद्युत विभव एवं संधारित्र। आज से हम लोग लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, और ये लेसन 3 पढ़ने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक वाला है, यानी विद्युत वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तब हम पढ़ेंगे मैग्नेट, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं लेसन 3। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि हमने दो लेसन पढ़ाया गया है, उसमें हमने पढ़ाया कि जब आवेश कहीं स्थित होता है, आवेश क्या हो? स्थित हो। या मान लीजिए कोई आवेश है, चार्ज बॉडी है, वो क्या हो? कहीं रेस्ट पे रखी हो। तो पहला तो हम लिखा है आवेश स्थित हो, जब आवेश स्थित होता है, जो आवेश हो वो क्या हो? स्थित हो। तो उसके बाद हमारा क्या बनता था? स्थिर वैद्युत की पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? स्थिर विद्युत की, ठीक है? स्थिर विद्युत की पढ़ते थे। तो समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे विद्युत आवेश स्थिर था, या मान लीजिए रेफ्ट था, जो चार्ज था वो हमारा रेफ्ट में था, तब हम लोग पढ़े विद्युत आवेश पढ़े, या विद्युत क्षेत्र पढ़े। तो जो वहां तक का एक यूनिट था वो हमारा था स्थिर विद्युत की, स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आवेश हमारा क्या करेगा? गत करेगा। आवेश क्या हो? गतिमान हो। तो जो आवेश हमारा गतिमान होगा, दो तरह से गतिमान हो सकता है, एक तो नियत वेग से, एक असमान वेग से। जो हमारा नियत वेग से गतिमान होगा, और एक हो सकता है असमान वेग से। जब नियत वेग से गतिमान होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा पढ़ेंगे। और जब असमान वेग से गतिमान होगा, मतलब उसमें आप समझ लीजिए कि एक्सीलरेशन हो, त्वरण हो जाएगा, त्वरित होगा, तब वहां पढ़ेंगे चुंबकीय, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकीय वाला पार्ट बन जाएगा। क्लियर? तो अभी जो आज हम लोग स्टार्ट करने चले हैं वो ये वाला पार्ट है। जब करंट हमारा या आवेश जो है वो नियत वेग से गतिमान होगा, इस समय की बात होगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला हेडिंग होगा, हम लोग जो पहला हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे विद्युत धारा। क्या लगाएंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जब कहीं आवेश चलता है, आवेश गतिमान होता है, तो वहां पर हमारा विद्युत धारा बनता है, ठीक है? तो इसमें हम लोग इसका डिफिनेशन मान लें कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहां कहीं दर आता है, उसका मतलब समय होता है, यानी बटा में समय लगा दीजिए, क्यू अपान आई, यानी आई इक्वल टू क्या जाएगा? क्यू अपान टी आ जाएगा, ठीक है? ये आवेश है, प्रवाह की दर धारा हो जाएगी। एक आता है औसत धारा। क्या आता है? औसत धारा, यानी कुल समय में प्रवाहित किए गए कुल आवेश के अनुपात को, या
किसी यदि किसी चालक में प्रवाहित किया गया कुल आवेश तथा कितने समय तक प्रवाहित किया गया उनके जो अनुपात होगा उन्हें क्या नाम देंगे, औसत धारा, औसत करंट भी बोलते हैं, औसत विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में आवेशों के कुल प्रवाह, आवेशों का कुल प्रवाह या एकांक समय में आवेशों का कुल प्रवाह, किसी चालक में आवेशों का कुल प्रवाह, सॉरी किसी चालक में प्रवाहित कुल आवेश, प्रवाहित कुल आवेश तथा जितना आवेश प्रवाहित हो उसमें लगा समय, तथा लगा समय के अनुपात को औसत विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, अब हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी समय अंतराल में यहां मान लीजिए कुछ आवेश प्रवाहित हो गया, कितना है डेल्टा क्यू, यहां खड़े होकर घड़ी देखकर हमने रीडिंग करना शुरू किया और ये देखा गया कि डेल्टा टी समय बीत गया। डेल्टा टी का मतलब ये था कि मान लीजिए टी वन समय में आवेश का मान क्यू वन था और आधा घंटा 20 मिनट सेकंड कुछ बीत गया, तब आवेश का मान क्यू टू हो गया, तब जो अंतर आया वो डेल्टा टी आया, मतलब कितने समय में गया, और यहाँ पर जो आवेश का अंतर आएगा डेल्टा क्यू आएगा, तो यहाँ जो औसत धारा निकलेगी आई एवरेज की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, ये औसत धारा हो जाएगी। क्लियर, उसके बाद अरे समझ में आ रहा है, उसके बाद एक और आता है तात्क्षणिक धारा। यह तात्क्षणिक धारा क्या है, जब माइक्रो सेकंड में या बहुत कम समय में बहुत कम धारा प्रवाहित हो, सॉरी बहुत कम आवेश प्रवाहित होता है तो वहां पर हम लोग तात्क्षणिक धारा प्रवाहित करते हैं। अल्प समय अंतराल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को या किसी चालक में, किसी चालक में अल्प समय अंतराल में प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित आवेश को या अल्पतम आवेश को कह सकते हैं, सूक्ष्म आवेश को तात्क्षणिक, मतलब जो इंस्टेंटेनियस हो, बहुत कम समय में हो, जिसे मान लीजिए आई इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, इसे क्या नाम देंगे, तात्क्षणिक धारा देंगे। अभी हम लोग इसे मान लीजिए कोई समय के सापेक्ष कोई आवेश का ग्राफ दे रखा, सॉरी समीकरण दे रखेगा, उसके बाद ये हमें धारा का मान निकालना होगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करके निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए थोड़ा नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फर्स्ट। चलिए ये तो हो गया करंट, आप पढ़ेंगे कि ये कौन, इसका मात्रक क्या होता है, सबसे पहले मात्रक समझ लें उसके बाद कुछ समझेंगे। अच्छा, इसका डिफिनेशन एक और बन सकता है, क्या बन सकता है सुनिए, इसे मान लीजिए कोई चालक है, कंडक्टर है, और ले जाए दुबे जी को यहाँ पहरेदार बनाकर खड़ा कर दें रामगोपाल जी को, और उन्होंने देखा कि एक सेकंड में कितना आवेश यहाँ से प्रवाहित हुआ, इस क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो धारा कहलाएगी, वही धारा कहलाएगी एक सेकंड में जितना आवेश, क्यों, क्योंकि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी का मान तो एक हो जाएगा तो क्यू का मान आई के बराबर नहीं हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर ये देखा गया कि एक सेकंड में जो प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा, किसी चालक से प्रति एक यानी एकांक सेकंड में जो प्रवाहित आवेश का मान होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, इसका ऐसा भी डिफिनेशन बन सकता है। चलिए अब इसके हम लोग कुछ मात्रक बनाएंगे, यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
मात्रक क्या बनेगा देखिए, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आ इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या बन गया, कूलम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग एक एम्पियर भी बोलते हैं, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है। और ये जो सातों मूल राशियां हम लोग पढ़ते हैं वो सातों मूल राशियां का एक फंडामेंटल मूल मात्रक है भाई। धारा एक मूल राशि है जिसका मात्रक मूल मात्रक है, ये सब मूल मात्रक नहीं है लेकिन ये मूल मात्रक है। आप लोग ये सातों मूल राशियां नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास 11th का लेक्चर देखिए, उसमें मिल जाएगा आप स्टार्टिंग दौर का, ठीक है। वो तीन चार लेक्चर हमने डाल रखा है, उसको देख लीजिए, स्टार्टिंग बेसिक बहुत अच्छा से वहाँ जाएगा। दूसरी बात ये आती है कौन सी राशि है, सबसे चीज धारा कौन सी राशि है करंट, तो आप लोग पढ़ते चले आए कि धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि। लेकिन अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें परिमाण हो लेकिन दिशा, लेकिन करंट में तो दोनों होता है यार, जिससे करंट यहाँ प्रवाहित हो रहा है, एक धारा इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो हम इसको तीर लगाते हैं ना, दिशा का मतलब क्या हो गया, बताएं कि किधर चल रहा है, दोनों में दिशा लगाते हैं ना। अब दोनों का जब लगाते हैं, अच्छा 3 एम्पियर मान लीजिए, तो इधर मान लेते हैं 5 एम्पियर आ रहा है। अब परिमाण भी हो गया, दिशा भी हो गया, इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, यानी दोनों को हम वेक्टर लगाकर शो करेंगे, कि तीर लगाकर इसीलिए शो करते हैं, ये तीर लगाकर इसीलिए शो करते हैं कि करंट इधर से इधर चल रहा है। जैसे हम बल लगाकर शो करते थे कि बल इधर से इधर लगाया जा रहा है, यप, तो ये सदिश राशि होता था। यहाँ पर देखिए धारा क्या है, धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन होता क्या है कि ये फिर भी एक अदिश राशि है, मतलब सब कुछ लक्षण होते हुए फिर भी ये क्या है, अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर के योग का नियम का पालन नहीं करते, वेक्टर के योग फल का नियम का पालन नहीं करती। ये क्या होता है सुनिए, जब कभी आप दो सदिशों का योगफल पढ़े होंगे, तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी हो, ठीक है, और दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तब इन दोनों का जो योगफल बताया होगा आर, कितना आया होगा आर, और पढ़े होंगे आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 dAB कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा आपने अंडर रूट में पढ़ा है ना। तो कभी करंट में ऐसा होता है, देखिए कैसे, मान लीजिए एक तार इधर आया एक तार इधर आया, यहाँ पर दोनों मिल गए, इधर से 4 एम्पियर की धारा आ रही थी, इधर से 2 एम्पियर की आ रही थी, आराम से एक तार इधर गया है, दोनों मिलेंगे, ऐसा तो है ना कि बीच का कोण होगा तो कोण लगा कर तो जोड़ा जाएगा, इसकी तरह कोण से कुछ थोड़ी जुड़ेगा, ये 4 और 2 6 एम्पियर आराम से इधर निकल जाएगा, इधर से आए इधर से चला गया, ठीक है, जितना इनपुट लिया उतना आउटपुट, जितना लिया उतना दे दिया, काम चंगा, बोलो, ठीक है। तो ये जो है ये थीटा वाला फंडा इसमें अप्लाई नहीं होता है, मतलब वेक्टर सदिश का नियम या सदिश योगफल का नियम पालन नहीं करता है, तो इसीलिए क्या होगी, एक अदिश राशि। सुनिए, तो अदिश राशि ना कहके इसको हम लोग कहेंगे प्रदिश राशि, क्या नाम देंगे, प्रदिश राशि, यानी वह राशियां जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो लेकिन वो वेक्टर के योगफल का नियम पालन नहीं करती, सदिश विश्लेषण के योग का नियम पालन ना करें, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे धारा, विद्युत धारा एक प्रदिश राशि है। अच्छा सुनिए, अब बताइए, जैसे मान लीजिए कहीं विकल्प में दे दे कि करंट कौन सी राशि है, अब प्रदिश नहीं दे रखा है तब अदिश कह देंगे, जब प्रदिश ना देंगे तब क्या नाम देंगे, अदिश कहेंगे, अदिश राशि। देखिए सबसे पहले जो मेजोरिटी देंगे, सबसे पहले हम किनको चुनेंगे, प्रदिश को चुनेंगे, उसके बाद अदिश को चुनेंगे, यदि प्रदिश नहीं दिया रहेगा तब अदिश को जाएंगे, वरना प्रदिश ही क्लियर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, क्या बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, टेंसर, और इसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, तो प्रदिश राशि अथवा अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, ये जो धारा है ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए क्या होगी, ये प्रदिश राशि होगी, क्लियर। इसमें एक चीज और आता है, बहुत छोटी चीज है, डिफिनीशन आपके यूपी बोर्ड के साथ साथ, हाँ यूपी बोर्ड में ही आएगा, साथ साथ कहीं नहीं आएगा, ठीक है, अकेला ही रहेगा। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर की डिफिनीशन बताइए, ठीक है।
तो हमारा जो अगला छोटा सा नन्हा सा हेडिंग होगा वन एम्पियर होगा। वन एम्पियर होता क्या है आप समझिए, बताइए, आप ही खुद ही बताएंगे। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, ये धारा का समय का मान एक कर दें, आवेश का मान एक कर दें, तो धारा का मान क्या आ जाएगा एक। मतलब यदि किसी चालक में एक सेकंड में प्रवाहित आवेश का मान एक कूलम होगा तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर आएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में एक सेकंड में या एक कूलाम का आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित हो, एक सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान वन एम्पियर होगा। कितना होगा? वन एम्पियर। ठीक है, एक एम्पियर होगा, सॉरी धारा का मान एक एम्पियर होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे, यदि किसी चालक में एक कूलाम का आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा? एक एम्पियर। और एक चीज, अब इसमें एक चीज हम ये लोग समझते हैं कि यदि किसी चालक में एक एम्पियर की धारा बह रही है तो उसके प्रति एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। भाई ये धारा बह रही है तो उससे आवेश निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ये कोई कंडक्टर है बेचारा कंडक्टर, अब हम कह रहे हैं कि जो उसमें धारा बह रही है आई, उसका मान वन एम्पियर हो, तो कहते हैं इस क्षेत्रफल से एक सेकंड में, कितने सेकंड में? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो कोई बात नहीं, एक एम्पियर एक सेकंड, तो हम यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं ना। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम निकलवाते हैं। नोट कीजिए, पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों एक चीज इसमें और देख लेंगे, एक पॉइंट करके हम देखेंगे कि यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर हो, कोई चालक है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ये वन एम्पियर की हो रही है। कितनी हो रही है? वन एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। तो कहा जा रहा है इसके जो अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफलों से, जैसे मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या, जैसे ये मार्कर है, ये एक वायर है, इसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो हम इसको बहुत पतला सा बारीक काट लें। जैसे सोचें इस सिरे से ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। और बताइए इस क्षेत्रफल से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो यदि किसी, तो अगला पॉइंट करके लिखेंगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान एक एम्पियर हो तो प्रत्येक तो चालक से तो एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन निकालना है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई का मान एक हो जाए, क्यू का मान एन इंटू ई कर दीजिए, और इसका मान एक एम्पियर। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन अपॉन ई, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वन अपॉन 1.6 इंटू 10^-19 हो जाएगा। इसके हम ऊपर ले जाएंगे तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10^19। अच्छा, इसको 18 लिख लीजिए और यहाँ 10 लगा लीजिए, और ऐसा करिए इसको इस तरह से लिखिए, 10 के खाते 18 गुणे 10 लिखिए बटा 1.6, ये 10 मटाएंगे यहाँ 0 लगा देंगे, आ जाएगा एन इज इक्वल टू 100 × 10^18 / 16 काट देंगे, एन इज इक्वल टू 16 × 2.5 × 10^18। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, क्या होगा?
देखिए मतलब यदि कोई चालक है उसमें एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो उसके प्रत्येक क्षेत्रफल से यानी उसके इस सिरे से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10^18 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो 10^100 करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला हेडिंग लग रहा है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इसमें एक हेडिंग और हम देखेंगे जिसका नाम है अस्थाई धारा। छोटा सा हेडिंग है, समझ लीजिए अस्थाई धारा क्या होती है। अस्थाई धारा ये होता क्या है, इसको समझिए। जब किसी चालक में समय परिवर्तन के साथ धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे धारा को हम क्या नाम देंगे, अस्थाई धारा। मतलब वो धारा का मान बढ़े, 3 एम्पियर बढ़ रहा है तो 3 ही एम्पियर प्रवाहित हो, समय चाहे जितना पहले था उतने बाद में रहे। ठीक है, तो लिख लेंगे, छोटा सा हेडिंग है, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ ना बदले, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ ना बदले, तो चालक में प्रवाहित धारा अस्थाई धारा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक आता है परिवर्ती धारा। तो परिवर्ती धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह का दर समय के साथ बदलता रहता है, तो वहां पर परिवर्तित धारा होती है। ठीक है, परिवर्ती धारा लिख लेंगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित आवेश की दर समय के साथ बदले, तो परिवर्तित धारा कहलाती है, या चालक में प्रवाहित धारा परिवर्तित धारा कहलाती है। ठीक है, आई इक्वल टू वही तात्क्षणिक धारा dQ/dt, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, एक सवाल लगाते हैं, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, बस इतना ही रखेंगे, नंबर कल आगे लगाएंगे कल। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहा, कल के लेक्चर नंबर हम सेकंड लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, गुड बाय।